पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से दरिया रावी के वस्त में वाकया बारा दरी पर जश्न बहारा और योम पाकिस्तान की मुनासबत से आतशबाजी रात 12 बजे शुरू हुई और आधा घंटा जारी रही। आतशबाजी के शानदार मुजाहरे से बारादरी और इससे मुलहिका इलाके रंग भरंगी रोशनी से जगमगा उठे, जिससे लाहौरियों को हसीन और दिलकश मंजर देखने को मिले। बच्चे, बूढ़े और मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद आतशबाजी के मनाजर देखने के लिए रावी पुल और दरिया के किनारे जमा थी। शहरों के मुताबिक आतशबाजी से बच्चे खास तौर पर महजूर हुए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, मज़ा भी बहुत है, एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा है। और हम अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, उनको भी ये मुजाहरा बहुत पसंद आया है। हम हर साल इस यहाँ देखने आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कलर्स थे देखने के लिए, बाहर के रंग थे वैसे ही जैसे यानी कि उन्होंने आसमान पर। इस मौके पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के डायरेक्टर खालिद महमूद का कहना था कि आतशबाजी का इनेकाद बहार की आमद को खुश आमदीद कहने और खास तौर पर 23 मार्च योम पाकिस्तान की मुनासबत से किया गया है और ये सिलसिला हर साल जारी रहेगा। आज की जो हमने आतशबाजी की है ये दो हवालों से अहम थी। एक तो हमारा रंगे लाहौर 2013 चल रहा है, उसकी सेलिब्रेशन चल रही है, उसका हिस्सा है, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे 23 मार्च शुरू हो जाती है। और हमने एक नया ट्रेंड रखा है कि आइंदा से हर साल हम ये फायर वर्कस रात को 12 बजे 23 मार्च की जो खुशी मनाने के लिए हम शुरू करेंगे वो फायर वर्कस के साथ हुआ करेगा। शहरियों के रश के बायस रावी पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा और मुसाफिर भी इस दिलकश मंजर से खूब लुत्फंदोज होते रहे। लाहौरियों के लिए आज की आतिशबाजी का मुजाहरा इंतहाई दिलचस्प रहा। ताहम इनका कहना है कि शहरियों को तफरी मुहैया करने वाले इस तरह के इवेंट्स का बाकायदगी से इनेकाद होते रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ वकास अहमद, सिटी 42।